हेलो दोस्त, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो ना सिर्फ मैं तेरे लिए बना रहा हूँ। आज की वीडियो किसी के लिए नहीं है, जो भी देख रहा है ना अभी उसी के लिए बन रही है ये वीडियो। तो इस वीडियो को छोड़ के मत जाना। आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर्स नहीं आते, बहुत सारे सवाल हैं यार। मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, व्यूज़ क्यों नहीं आते, इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं आते। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, आज मैं बताने वाला हूँ क्यों नहीं आते, ठीक है। तो मेरे भाई, बात ऐसी है कि तुम्हें व्यूज़ नहीं आते, वीडियोस डालते हो, सब कुछ करते हो, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है ना, तो तुम्हें वीडियो अपलोड करना ही नहीं आनी चाहिए, तुम्हें और चीज़ें भी आनी चाहिए, जैसे टैग लगाना, टाइटल लगाना, डिस्क्रिप्शन लगाना, मतलब जिन पे हम अच्छे से व्यूज़, जो वायरल हों, वायरल टैग्स, वायरल सर्चेबल टाइटल्स, ऐसे ऐसी चीज़ें लगाने भी आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो जल्दी से जाओ सीख लो। बहुत सारी मैंने वीडियोस डाली हैं कैसे क्या करते हैं, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली दिक्कत यही रहती है कि हम वीडियोस तो बहुत ज़्यादा दे देते हैं, क्वालिटी के ऊपर काम नहीं करते। एक तो हमारा कॉन्टेंट भी कई बार अच्छा नहीं होता, दूसरा अगर कॉन्टेंट बहुत अच्छा है फिर भी हमें व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि हमारे टैग्स जो हैं, हमारे जो टाइटल हैं, वो रैंक ही नहीं करते। तो दोस्तों, रैंक कैसे नहीं करेगा, यूट्यूब का एल्गोरिदम जो था पहले बहुत जल्दी वीडियो जो है वो वायरल हो जाती थी, बहुत जल्दी रैंक हो जाती थी, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम था। लेकिन आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, और वीडियो एकदम से, आप लोग क्या चाहते हो, आप लोगों के दिमाग में ये रहता है कि बस मैंने वीडियो डाला, वायरल हो जाए, आज ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए, आज ही मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। बस कहीं भी जाते हो, प्रमोट मी करते रहते हो, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो दोस्तों। प्रमोट करने से कोई भी ग्रो नहीं हुआ है आज तक, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, सिर्फ मेहनत करो, और अगर जो चीज़ें नहीं पता चलती, जिन वजह से आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, उन चीज़ों पे काम करो। एक एक पॉइंट डेली का पकड़ो कि आज मुझे टाइटल पे काम करना है, मुझे टाइटल लगाना सीखना है। तो टाइटल लगाना कैसे सीखोगे, 10 यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देखो टाइटल के ऊपर, फिर उसका निचोड़ निकालो, फिर तुम्हें पता चलेगा टाइटल लगता कैसे है, ठीक है। उसके बाद बात आती है टैग्स की। तो हर दिन एक चीज़ को के ऊपर काम दो, एक 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 टाइम दो उसको कि नहीं, आज मुझे ये प्रॉब्लम के ऊपर पूरा सीखना है, आज मुझे इसके बारे में सब कुछ सीखना है। धीरे 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 एक हफ्ते में आप पूरा ट्रेंड हो जाओगे, आपके वीडियोज़ अच्छे चलने लगेंगे, नो डाउट, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आप टॉपिक बनाते हो, टॉपिक का क्या है कि आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाले टॉपिक्स ले लेते हो, कि जो मैं बना रहा हूँ, जो कोई और बना रहा है, वो ही तुम भी बना रहे हो। तो तुम्हें जो टॉपिक सिलेक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। टॉपिक आपका ऐसा होना चाहिए कि आपके उसमें बहुत कम कॉम्पिटिटिव वीडियोज़ हों, ठीक है, बहुत कम वीडियोस आपके खिलाफ हों, आपके जो जिनके साथ आपका कंपटीशन होगा कि उनसे बढ़िया आपको निकालनी है। तो उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बहुत कम बने हो यूट्यूब के ऊपर, या फिर बने ही ना हो, ऐसे टॉपिक आपको मिल जाए तो आप रातों रात वायरल हो सकते हो, रातों रात हिट हो सकते हो। मैं सही बता रहा हूँ आपको, टॉपिक्स के ऊपर बहुत। आप क्या करते हो, आप एक दूसरे को देख के टॉपिक बना लेते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि लोगों को क्या चाहिए और कौन से टॉपिक पे वीडियो कम है यूट्यूब के ऊपर। तो भाई रिसर्च करनी पड़ेगी ना, सक्सेस चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कब तक दूसरों की कॉपी मार के अपनी बना के फिर उसको चिपकाते रहोगे और फिर बोलोगे व्यूज़ नहीं आए, ठीक है। थोड़ी रिसर्च बहुत ज़रूरी है, रिसर्च किया करो, लोगों को क्या चाहिए, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हें क्या आता है, और कैसे कैसे क्या करना है। तो इस तरह से टॉपिक्स कौन से हैं जो बहुत कम अपलोडेड हुए हैं और मैं उन पे वीडियो बना दूं तो फ़ायदा होगा, डेफिनेटली होगा यार। तुम रिसर्च नहीं करते, तुम एक दूसरे को देख के जो है वो वीडियोज़ बनाते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा, कि आप लोग थंबनेल्स बनाते हो, लेकिन थंबनेल्स बना देते हो, डाल देते हो बस। क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी जो वीडियो, तुम्हारा जो कंटेंट बन रहा है, उसका कंपटीशन किन और वीडियोस के साथ है। मान लो तुमने बनाया हाउ टू क्रिएट सब्सक्राइबर, हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स। अब हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर का कितना कंपटीशन है, इसको सर्च करोगे तो पता चलेगा कि जब हज़ारों वीडियो सामने आ जाएंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। अब शुरू की 10-12 वीडियोज़ पकड़ो, उनके थंबनेल्स देखो, उनको स्टडी करो कि उनके थंबनेल्स में क्या है और मैं जो बना रहा हूँ वो क्या है।
उन सबसे बेस्ट बनाने का, चाहे आधा घंटा ले लो, 1 घंटा ले लो थंबनेल बनाने में, लेकिन थंबनेल ऐसा बनाओ कि शुरू की 10 वीडियो से बिल्कुल बेस्ट हो, कि वो अगर कहीं गलती से फंस गया ना उधर तो बंदा क्लिक किए बिना ना जा पाए। थंबनेल पे बहुत ज़्यादा काम करो, चाहे उसको आधा घंटा लेके बनाओ, 1 घंटा लेके बनाओ, 1 दिन लेके बनाओ, लेकिन थंबनेल का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। जब आपकी वीडियो सजेस्टेड में जाने लगती हैं तो व्यूज़ भाई थंबनेल ही ले आके देता है, ये ध्यान रखो। अब सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, एक एग्जाम्पल के साथ एक स्टोरी सुनाता हूँ। मान लो तुम एक मार्केट में गए हो, तुम्हें कपड़े खरीदने जाना है, ठीक है? तो कपड़े खरीदने तुम जाते हो, तो तुम एक शॉप है वहाँ पे कुछ लिमिटेड वैरायटीज़ हैं, 4 से 5 वैरायटीज़ हैं ओनली, और साथ में एक और शॉप है वहाँ पर आपको इतनी वैरायटीज़ हैं कि देखते देखते थक गए, तो आप कहाँ जाओगे, कहाँ से आप लेना चाहोगे? आप वहीं चेक करना चाहोगे ना जहाँ बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, चलिए मैं देख लेता हूँ यहाँ पे मुझे कुछ तो मिलेगा, और जिसके पास ही 4 ऑप्शंस हैं वहाँ क्या देखोगे आप, ठीक है? तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप लोग अभी कुछ थोड़ी सी वीडियोज़ डालते हो और आपको ग्रो होना है, आपको हिट हो जाना है, एकदम है सेलिब्रिटी बन जाना है, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। कोई भी आपकी चैनल पर आता है तो आपके चैनल पर तो वीडियोज़ ही नहीं है, 10 वीडियोज़ होंगी, 12 होंगी, 20 होंगी, 50 होंगी बस। लेकिन बंदा क्या होता है, अगर तुम्हारे पास डेली के तुम बहुत सारे वीडियोस डालते रहोगे, डेली रेगुलर वीडियोस डालते रहोगे ना, तो तुम्हारी एक अपनी वीडियो की लाइब्रेरी बन जाएगी। कोई भी उसमें घुसेगा, एक वीडियो अगर उसको वो देखता है, उसको अच्छी लगती है, तो वो दूसरी ज़रूर देख लेगा, और दूसरी के बाद तीसरी चौथी अपने आप। लेकिन अगर आपके चैनल पे वीडियोज़ ही नहीं होंगी, 4 वीडियोज़ डालने के बाद तुम बोलते हो यार मैं ग्रो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं होता भाई मेरे, पेशेंस रखो और मेहनत करो, वीडियोस तो आपको रेगुलर देनी पड़ेगी। और ब्राउज फीचर का आपको बेनिफिट चाहिए अगर, तो रेगुलर वीडियो दो, जो रेगुलर वीडियो देता है उसको ब्राउज फीचर का भी बेनिफिट मिलता है, समझे मेरी बात? तो बहुत से लोग ऐसे प्रमोट मी लिखते रहते हो भाई, प्रमोट कर वाली बातें छोड़ दो और मेहनत करो, वीडियोस बनाओ, कंटेंट बनाओ, अपने आप सब्सक्राइबर्स आते हैं, अपने आप व्यूज़ आते हैं, सब कुछ आते हैं, ठीक है? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है तो वो भी मुझे बताएं कमेंट करके, और वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और पहली बार अगर आए हो तो सब्सक्राइब कर दें।